जी को बहुत शौक था घर बनाने का, बड़ी शौक से बनाया उन्होंने अपना घर। मतलब बड़े शौक से बनाते हैं हमारे यहाँ मकान लोग। सिंह टांटा मियाना गांव का निवासी। हमारा काम फार्मिंग है, अपना बगीचों का काम है हमारा। अब हमारी अर्निंग बगीचों से ही आ रही है। 2017 से ये अपना HDPE में हाई डेंसिटी जो चला हुआ है आजकल, जो बाहर से आ रहे इंपोर्ट हो रहे हैं प्लांट्स, उस पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। हमने 6-7 हज़ार प्लांट्स अपने लगाए हैं अभी। ये वाला मकान मेरे पिताजी और दादाजी वगैरह ने, सारी पूरी फैमिली ने 60s में बनाया था। ये मकान पहले काठकुनी के होते थे, इसमें पहले पत्थर के छत थे, उसके बाद चद्दरों के छत दिए इसमें। जो ये काठकुनी के मकान हुआ करते थे पहले, तो ये पत्थर और अपनी जो लकड़ी का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो उसके बाद मेरे फादर और मेरे दादाजी वगैरह ने मिल के एक दूसरा मकान बनाया, 70s में बनाया एक। ये वाला मकान 70s का बना हुआ है, ये भी हमारे उसी आधार पे बना हुआ है। ये अपने पहाड़ी शैली पे बना हुआ है इस तरह का मकान। ये अपना मड से बने हुए, आप अंदर इस रूम में जाएंगे टेम्परेचर इसमें आधा हो जाएगा। आप मान लो यहाँ 35 डिग्री होगा तो अंदर मेरे क्या 15 डिग्रीज पे हो जाएगा ये, और सर्दियों में गर्म रहेगा इसका। 2008 में हमारी मैरिज हो चुकी थी दोनों भाइयों की, तो हमारे फादर ने 2008 में ये वाला जो मकान है इसको बनाना शुरू किया। 6-7 साल इसको बनाने में हमारे को लग गई थी, तो आज 2014 में इसकी फुल फिनिश हुआ ही है। ये इसमें सारा लकड़ी का ही काम हुआ है। तो आजकल की शैली के मुताबिक जैसे बन रहे हैं मकान, लकड़ी का मकान थोड़ा कोजी भी होता है, गर्म होते हैं। जब हमने ये मकान शुरू किया तो हमारे फादर के उसमें दिमाग में ये था कि ये घर हमारा ड्राइव इन होना चाहिए। तो कई सालों के एफर्ट्स के बाद ये घर हमारे को बड़ी मुश्किल से ड्राइव इन हो पाया। फिर इस मकान के लिए हमने स्पेशली कार्विन वाला सहारनपुर से लड़के बुलाए थे, तो उन्होंने अब काफ़ी अच्छा काम किया। अपने सीलिंग्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन डाले उन्होंने। जो ये स्टेयर केस बना हुआ है आपका नीचे, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है, और जो उसका गेट बना हुआ है वो भी कार्विन का बना हुआ है, रबड़ वुड में बना हुआ है। वो फर्स्ट फ्लोर पर जो अपना स्टेयर केस है ये लकड़ी का बनाया हुआ है हमने। ये जो सोफे है इसको हमने पानीपत से परचेज किया कपड़ा इसका स्पेशली, ताकि ये थोड़ा एंटीक लुक दे। 2007-08 में जब हमने ये मकान शुरू किया तो उस दौरान सोशल मीडिया का इतना नहीं था चलन, तो ये हमने अपना कहीं ट्रैवल करके, कहीं अपने आइडियाज़ लेके, अपने छोटे छोटे कहीं अपने बुक्स से देख के कुछ इस तरह का बना के फिर जाके इस मकान को हमने डेवलप किया। उन दौरान सोशल मीडिया का कोई ऐसा था नहीं, आज तो लोग देख लेते हैं चलो दो मिनट में कोई भी चीज़ निकालनी है यहाँ से भी निकल जाती है, तो उस टाइम कुछ नहीं था इस तरह का। मेरे फादर का उनको बहुत शौक था ये काम कराने का, लकड़ी जैसे मकान जब जगह जगह पे बनाना, उन्होंने मकान का बहुत शौक होता था। जब भी देखो हर साल कुछ ना कुछ मकानों के काम बनाने शुरू करना, ये करना वो करना, तो चला रहता था। उनको बहुत ज़्यादा शौक था, मेरी मदर भी स्पेशली, उनका भी बहुत बड़ा रोल है मकानों बनाने में। मतलब बड़े शौक से बनाते हैं हमारे यहाँ मकान लोग, अब भी चला हुआ लोग बना रहे हैं।
80s में जब हमने मकान, जब फादर ने मकान बनाए थे, तो उन दौरान फिर फर्नीचर बहुत लिया। उन दौरान डाइनिंग टेबल देखेंगे उस तरह का डाइनिंग टेबल, आज 80s का डाइनिंग टेबल, इस टाइम मेरे 45 ईयर्स पुराना कम से कम होगा। और इस घर की सफाई पूछ रहे हैं आप, किस तरह की सफाई है? ये पॉलिश हमारा 15-16 साल पुराना है, ये पॉलिश हुआ हुआ इस मकान में। तो इसका वो श्रेय भी मेरी माता जी को जाता है, वो मेरे वाइफ को जाता है। उन लोगों ने ये अपना मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। तो जो भी मेरे फादर ने 80s में जो फर्नीचर लाया था, तो उसको हमने डिस्कार्ड नहीं किया। मजे की बात ये है कि इसको हमने दोबारा से रेनोवेट करके उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबू जी को बहुत शौक था घर बनाने का, बड़े शौक से बनाया उन्होंने अपना घर, बहुत ज़्यादा शौक, सबसे बड़े बेटे को मेरे अच्छी जी का। पहले इसको शौक है तो बस सारे परिवार को शौक, तब तो सिर पर बोलो ठीक है। मेरे चाचा जी ने भी 2013 में नया मकान बनाना शुरू किया, और उसको बनाने के लिए उनको ऑलमोस्ट 4 साल लग गए, और 2018 में उनका मकान बनकर तैयार हो गया। पर मकान हमारे पास अच्छा था, जो 70s में बना हुआ वो हमारा बहुत अच्छा मकान था। मैं कोई यहाँ तो मजबूरन ऐसे लगा कि भाई बगीचा यहाँ बड़ा है, तो आइडिया भी था। फिर एक बार मैं ऐसे शिमला में, मल्होत्रा जी है कारपेट्स का काम है मालपुर, तो उनके मकान पे मेरे को जाने का मौका मिला था काफ़ी पहले, मेरे ख्याल 90 में। तो उनका मकान देखा था मैंने, बहुत सुंदर लगा था मेरे को, तो वो मेरे थोड़ा दिमाग में बैठ गया कि जब भी मकान बनाऊंगा तो इस टाइप का कोई अच्छा नहीं। जब भी कभी मौका मिला या लगा कि भाई मकान बनाऊंगा, तो ये था दिमाग में, तब बनाना भी था, लाइफ में कुछ करना था। तो 2013 में मैंने शुरू करा ये मकान, तो दिमाग में था कि भाई कुछ लकड़ी का या पत्थर का कुछ नए स्टाइल का भी, कुछ पुराना हमारा ट्रेडिशनल है उसको भी नहीं ख़त्म करना चाहिए। जो ये बनाने वाले थे वो पहले से वो उस घर पे काम कर रहे थे, फिर वो कंटिन्यू, हाँ वही कंटिन्यू कर रहे। जो 2008 में हमारा भाई साहब का मकान बना था कि 14 में वो मिस्त्री थे, 14 में कंप्लीट हो गए, मतलब 13 से वो स्टार्ट हो गए यहाँ दरवाजे खिड़की बनाना, तो वही कंटिन्यू करे। तो उनका आइडिया भी था कि भाई इस तरह का मकान बना, कुछ उनका भी बड़ा हाथ रहा। तो मिस्त्री का कारीगर का तो है ही है, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग से भी, थोड़ा बच्चों के दिमाग से, तो इस तरह से थोड़ा बनाया। बाकी ऐसे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो शौक था वो बना दिया। जैसे जैसे काम बढ़ता गया आइडियाज भी बनते गए। तो होता ही है, जैसे जैसे काम चलता गया दिमाग में तो था कि भाई इस तरह का, तो बाकी साथ साथ आइडियाज आते रहते हैं कि भाई चलो यहाँ से ऐसा किया जाए, यहाँ से ऐसा किया जाए। सारी ये जो ड्राइंग है उसने बनाई, ये घोड़े वाली भी बेटे ने बनाई हुई है ड्राइंग ना, कारपेंटर ने उसको, वो कार्विंग वाला था कारपेंटर, तो उसने कार्विंग करी, डिज़ाइन बेटे ने बनाया।